टी शर्ट की चिंता, पेपर की चिंता नहीं भाई तेरे को है भाई। एक नंबर का दिपोर आ गया तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस नए ब्लॉग में। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पिछले ब्लॉग पर इतना प्यार देने के लिए, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखे और सपोर्ट करते रहे। फिलहाल आज हम जा रहे कॉलेज, अब मेरा एग्जाम और गुरमीत का मतलब सभी के एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद एक फेयरवेल है वो भी अटेंड करेंगे। दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका अपना और संदीप भाई भी ना तो शर्ट पहन रखी है, अच्छी लग रही है। तूने भी तो रेड टेप की पहन रखी है भाई, सेक्सी लग रहा है। ये देखिए दोस्तों मौसम आज कितना अच्छा हो रखा है, सेक्सी सा मतलब बारिश का मौसम हो रखा है, बारिश किसी भी वक्त आ सकती है। हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले तो नहीं आनी चाहिए ना भाई। टी शर्ट की चिंता, पेपर की चिंता नहीं भाई तेरे को है। कॉलेज पहुंच चुके दोस्तों और अब अपना सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये यहाँ पर लगा हुआ सबका सीटिंग अरेंजमेंट प्लान भाई। कोइंसिडेंस दोस्तों हम दोनों का एक ही रूम में नंबर आ चुका है, बस फर्स्ट डेस्क पर नहीं होना चाहिए भाई, है ना। मेरा सेकंड डेस्क भाई, मेरे को तो लग रहा है कि फर्स्ट डेस्क पे मिलेगा अपन दोनों का। अगर फर्स्ट डेस्क पे आ गए तो अपन को कुछ नहीं आता है आज, पर हम भरोसे है। 3 hours later. तो दोस्तों एग्जाम खत्म हो चुका है, कैसा हो भाई तेरा एग्जाम भाई? एक नंबर का रिपोर्ट आ गया भाई, मेरा इतना हो गया कि पास हो सकता हूँ मे बी, पर हो ही जाना चाहिए मुझे लग रहा है। और अब चल रहे भाई, कॉल आएगी भाई, कॉल आएगी, कॉल बाद में करेंगे। तो अब जा रहे हैं दोस्तों फिलहाल ओडी में जा रहे हैं और किसी से पूछेंगे एक दो से और उनका कैसा हुआ, फिर ओडी में जाएंगे, ओडी में फेयरवेल आज। और आप भी मजे लेना देख के फेयरवेल को पूरा। पंकज भाई कैसा हुआ एग्जाम? इतना बढ़िया हुआ है भाई, अभी मेरे को है ना एयर बैग का खतरा सताने लग गया। मजाक नहीं, अरे मजाक नहीं, अगले दो पढ़ाएंगे भाई, अभी पढ़ लेता तो ये नौबत नहीं आती हमें छोड़कर। सिर्फ बनवाड़ा का सबसे अच्छा पेपर हुआ आज, इसलिए आज पार्टी देगा। कैंटीन आ चुका है दोस्तों, बनवाड़ा भाई पार्टी दे रहे हैं, लेके आए हम सबको यहाँ पे। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और अब जा रहे हम ओडी की तरफ। Oh,
मुक्ति दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। दोस्तों पेपर भी हो चुका और फेयरवेल भी अटेंड करके आ चुके हैं, कैसी लगे फेयरवेल भाई? वैसे तो मजे आए लेकिन भीड़ कम थी इसके कारण थोड़े है मजे चूक गए हमारे भाई। वो पेपर की वजह से बच्चे जल्दी चले गए ना एग्जाम। अगर ये सारे दर्शक आते हमारे तो अच्छी भीड़ रहती पंडित जी। हाँ ये भी है। अब जा रहे दोस्तों खाना खाने और आगे है प्रवीण भाई और स्कूटी पे अपने बाइक पे। वैसे कुछ नहीं पाया, भूख वगैरह लगी हुई थी। प्रवीण भाई भी आ गए थे खाली, पता नहीं कॉम्प्लेक्स वगैरह बोल रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं ना भाई पंकज। हाँ भाई बता रहे हैं प्रवीण भाई। चलो चलते हैं और खाना खाते हैं डायरेक्ट, फिर ब्लॉग एंड ही करते हैं यहीं पे।